तो हेलो गाइस, तो यार आज की वीडियो में हम लोग कुछ पोकेमोन जर्नीज के ऑसम अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। यार बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, सो यार हो सकता है कि तुमको वो अपडेट्स पसंद आए, इसलिए यार अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वक्त ना जाया करते हुए, सो यार अगर नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यार हम लोग बहुत ही नियर हैं 20K सब्स के। तो यार सब्सक्राइब कर देना क्या जाता है, एंड बाकी लाइक भी कर देना इस वीडियो को, लाइक में 400 लाइक्स, एंड यार हो सके तो शेयर भी कर देना। अब चलो यार अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यार हम लोगों का फर्स्ट अपडेट ये है कि यार जैसे कि तुमको पता है कि हम लोग के गो ने एपिसोड 28 में पोकेमोन जर्नीज के सोबल को पकड़ा था, एंड गाइस अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड हिंट्स ऐसा लग रहा है कि गो का सोबल बहुत ही जल्द एवॉल्व होने वाला है ड्रिजेल में। यार इससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट मर्चेंडाइजेस भी आई है। यार ये वाला तुम मर्चेंडाइज देख सकते हो, ये वाला मर्चेंडाइज लेटेस्ट है। यार यहाँ पे तुम सेंटर में देख सकते हो, यार यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है एंड यहाँ पे तुमको एक ड्रिजेल दिख रहा है, एंड हाँ यार बगल में तुमको सोबल भी दिख रहा है। एंड गाइस ये हम लोग का सेकंड मर्चेंडाइज, यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो एक ड्रिजेल। यार अभी गो के सोबल के जो एवोल्यूशन के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है। यार मे बी 6 या फिर 7 एपिसोड्स के बाद ही हम लोग का सोबल एवॉल्व करेगा ड्रिजेल में। यार होप्स बना के रखो अगर तुमको सोबल पसंद है तो। यार जो हम लोग का नेक्स्ट अपडेट है वो ये है कि यार एज का रियो लू 99% नेक्स्ट एपिसोड में इवॉल्व हो सकता है लुकैरियो में। सो अकॉर्डिंग टू लीक्स एस एंड रोज की एक बैटल होगी जिसमें यार एस अपने पिकाचू को भेजेगा, एंड पिकाचू को बचाने के लिए एस अपने रियोलू को भेजेगा, एंड तभी रियोलू इवॉल्व हो जाएगा लुकैरियो में। सो यार मे बी ऐसा कुछ हो सकता है। यार अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा, बट यार इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि यही हो, क्योंकि यार तुमको मालूम है कि 2 वीक्स पहले हम लोग को एक प्रीव्यू दिखाया गया था, स्पेशल प्रीव्यू, जिसमें यार हम लोग को लुकैरियो एंड सिंडस दिखाए गए थे। सो यार उस प्रीव्यू को बहुत ही टाइम हो चुके हैं, सो यार जल्द ही हम लोग को लुकैरियो देखने के लिए मिल सकता है एस के पास। एंड हाँ यार ये रहे लुकैरियो के सबसे लेटेस्ट मर्चेस। यार ये रहा हम लोग का फर्स्ट मर्च, यहाँ पे तुम देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे सर्कल लगा हुआ है, यहाँ पे हम लोग का लुकैरियो दिख रहा है। यार ये सेकंड वाला मर्च नहीं है, पोस्टर है, बट तुम एक तरीके से इसको मर्च भी कह सकते हो। यहाँ पे तुमको यार लुकैरियो दिख रहा है साफ साफ। एंड तुम देख सकते हो ये हम लोग का थर्ड मर्च है, यहाँ पे तुम देख सकते हो एकदम कॉर्नर में नीचे के साइड, यहाँ पे तुमको साफ साफ लुकैरियो दिख रहा है जो कि हम लोग के हीरो एस के पिकाचू के साथ है। यार हम लोग का थर्ड अपडेट ये है कि बहुत ही जल्द हम लोग को पोकेमोन जर्नीज में म्यू देखने के लिए मिल सकता है, यानी कि बहुत ही जल्द म्यू की अपीयरेंस हो सकती है पोकेमोन जर्नीज में। यार जैसे कि तुम जानते हो कि यार हम लोग के गो के जर्नी का सबसे बड़ा एम है म्यू को पकड़ना। सो यार आने वाले एपिसोड्स में म्यू अपीयर होने वाला है, सो यार मे बी हम लोग का गो उसको कैच करे, बट यार अभी तो कोई नहीं जानता कि गो म्यू को पकड़ेगा या फिर नहीं, क्योंकि यार अभी वो टाइम आने में बहुत ही देर है। एंड तुम कुछ म्यू की लेटेस्ट मर्चेस देखो जिससे कि तुमको पता लग पाए कि यार म्यू जल्दी अपीयर होने वाला है। यार ये रहा हम लोग का फर्स्ट मर्च, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पिकाचू एंड स्क्वाटेल के बीच में हम लोग को म्यू दिख रहा है। एंड यार ये रहा हम लोग का सेकंड मर्च, यहाँ पे तुम देख सकते हो साफ साफ राइट साइड में एक म्यू। यार हम लोग का फोर्थ अपडेट ये है कि एस का लास्ट पोकेमोन यानी कि एस का 6th पोकेमोन हो सकता है कॉर्विक नाइट। यार ये पक्का नहीं है, बस ये पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि यार एक दिन पहले ही एक मर्च आई है जिसमें हम लोग को साफ साफ कॉर्विक नाइट देखने के लिए मिल रहा है। एंड यार इससे भी पहले एक मर्च आई थी 2-3 दिन पहले, मैं उसको भी दिखा देता हूँ। यार ये वाला मर्च देखो, ये 2-3 दिन पहले का मर्च है, इसमें तुम राइट साइड में कॉर्विक नाइट को देख सकते हो। एंड यार ये हम लोग का सेकंड मर्च है जो कि सबसे लेटेस्ट है, यहाँ पे तुम साफ साफ ऊपर की तरफ देख सकते हो एक कॉर्विक नाइट। यार इसके पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा है कि एस का लास्ट पोकेमोन कॉर्विक नाइट हो, क्योंकि यार हम लोग को पहले भी बहुत ही ज्यादा मर्चेस देखने के लिए मिले हैं। सर होप्स बना के रखो, जल्दी एस को उसका लास्ट पोकेमोन मिलेगा। यार हम लोग का फिफ्थ अपडेट ये है कि एस को म्यूटू मिलेगा, इसके चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। यार जैसे कि तुमको मालूम है कि ऐसे बहुत सारे लीक्स आ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि एस म्यूटू पकड़ने वाला है आने वाले डार्केस्ट डे के एपिसोड्स में, तो यार मे भी हो सकता है, क्योंकि यार जिस हिसाब से मर्चेस आ रहे हैं उससे तो यही लगता है। यार कुछ लेटेस्ट मर्चेंडाइज ये रही। यार ये रहा हम लोग का फर्स्ट मर्चेंडाइज, यहाँ पे तुम देख सकते हो राइट साइड में हम लोग को एक म्यू देखने के लिए मिल रहा है। एंड यार ये रहा हम लोग का सेकंड मर्चेंडाइज, यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो एक म्यूटू, एंड तुमको बगल में मास्टर बॉल भी देखने मिल सकती है जो कि शायद से एस को आने वाले एपिसोड्स में मिलेगा। यार ये रहा हम लोग का थर्ड मर्चेंडाइज, यहाँ पे तुम देख सकते हो एक म्यूटू। एंड ये भी बहुत ही लेटेस्ट मर्चेंडाइज है, यहाँ पे तुम देख सकते हो एक म्यूटू। एंड यार ये भी मर्चेंडाइज तुम देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग को म्यूटू देखने के लिए मिल रहा है।
यार हम लोग का 6th अपडेट ग्रीन निंजा के बारे में है। वैसे तो कुछ खास न्यूज नहीं है ग्रीन निंजा के बारे में, बट हाँ यार कुछ लेटेस्ट मर्चेज आई हैं जो कि मैं तुमको दिखाना चाहूंगा। यार ये रहा हम लोग का फर्स्ट मर्च, यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो ऊपर की तरफ राइट साइड में एक ग्रीन निंजा। एंड यार ये रहा हम लोग का सेकंड मर्च, यहाँ पे तुम फिर से देख सकते हो राइट साइड में एक ग्रीन निंजा। एंड यार ये रहा हम लोग का थर्ड मर्च, यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ग्रीन निंजा। एंड यार वैसे तो ये बहुत यूनिक मर्च है क्योंकि यार इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के मर्चेंडाइज है। एंड हाँ यार मैं तुमको एक चीज बता दूं कि यार ये वाला मर्चेंडाइज तुम देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे तुमको मिल जाएंगे फेक मर्चेस, सो यार इन सब पे विश्वास मत करो। बेसिकली तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जहाँ पे सर्कल लगाया है वो एक फेक मर्च है ग्रीन निंजा का, सो यार इन सब फेक मर्चेस पे कभी भी विश्वास मत किया करो। एंड यार अगर तुम कोई भी मर्चेंडाइज ध्यान से देखोगे तो यार तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मर्च फेक है एंड यार कौन सा मर्च रियल है। यार हम लोग का नेक्स्ट अपडेट ये है कि एपिसोड 45 का टाइटल रिवील हो चुका है, जिसका टाइटल यार लिटरली बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। बेसिकली टाइटल है द अल्टीमेट स्वॉर्ड एंड शील्ड। यार बेसिकली इस एपिसोड में होगा ये कि एस एंड गोजेजिन एंड मजेंटा के साथ एटनेटस के साथ बैटल करेंगे। एंड ऐसे बहुत सारे चांसेस हैं, चांसेस क्या बहुत ही हद तक ये कंफर्म है कि यार उस एपिसोड में एटनेटस एटर्ना मैक्स एटर्नेटस के फॉर्म में आएगा। यार हो सकता है कि हम लोग का एस उस एपिसोड में एटर्नेटस को पकड़े, क्योंकि यार इन पोकेमोन गेम हम लोग को दिखाया जाता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो लास्ट में एटर्नेटस से लड़ने के बाद एटर्नेटस को पकड़ लेता है। बट यहाँ पे एनिमे में बहुत ही इसके कम चांसेस हैं कि एस को एटर्नेटस मिले, बट तुम एक तरीके से मानो कि ये नहीं ही होने वाला है। यार आज की वीडियो ये तक थी, अच्छा सपोर्ट दिखाना प्लीज यार इस वीडियो को, एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड बस यार और क्या चाहिए एक यूट्यूबर को। एंड हो सके तो कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर से बताना, लाइक में 400 लाइक्स प्लीज पूरा कर देना। सो यार चलो अब अपनी वीडियो को यहीं पे करते हैं खत्म, मिलता हूँ मैं जल्दी एक ऑसम वीडियो के साथ।